say something about Christmas. Okay, Rashmi. हम किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? अरे रश्मि इज लाइक अ फैमिली यार, कम ऑन, मेरी बहन है, छोटी बहन मानता हूँ मैं उसको, और सपोर्ट परिवार में सपोर्ट नाम नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है. तो रश्मि को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रश्मि इज ऑलवेज देयर फॉर अस एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर रश्मि. सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट सपोर्टिंग, चाहे वो अच्छाई हो या उसकी बुराई हो या किसी भी हालात में वो हो, हमारा काम है उसको, अगर वो गलत कर रही है तो गलत बोलना, और अगर अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली अच्छा करना. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन रश्मि केम टू मी दिस आइडिया कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ, मैं सच बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट विद एवरीवन, आई डिडंट लाइक इट. आई सेड नो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी जख्मों को खुरीदा जाएगा, जहाँ पे आपकी जख्मों को नमक छिड़का जाएगा. बाकी के कंटेस्टेंट जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि तुम अवॉइड करो. लेकिन मैं इस सवाल, जो आपका सवाल है उसका जवाब आगे भी दूंगा, कि मैंने जब उसको मना किया और शी इंसिस्टेड कि मेरे को जाना ही है भाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई सेड गो, आपको जाना है, अगर आपको कुछ और अगला स्टेप मिल रहा है आपके करियर में तो बहुत अच्छी बात है. सो वो गई और मैंने उसको सपोर्ट किया और आज भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको. ओके, रश्मि के बिग बॉस के पहले रश्मि ने कभी अरहान का जिक्र किया था आपके साथ? बिल्कुल किया था. आपको मैं बताऊँ, ये मेरी धर्म पत्नी मेरे साइड में है, हमारी एनिवर्सरी थी और तब मैं अरहान से पहली बार मिला. तब अरहान को रश्मि ने पार्टी में लाया था जो कि बैरल मेंशन सहारा होटल में था, है वहाँ पे. तो आई वॉज शॉक एंड सरप्राइज, क्योंकि उस पार्टी में मेरे और भी कई दोस्त थे जिन्होंने मुझे साइड में ले जाके कहा कि रश्मि के साथ ये लड़का क्या कर रहा है. सी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोलिश समबडीज पर्सनल कैरेक्टर हेयर, बट दिस ऑनेस्टली दिस इज़ वॉट हैपन दैट नाइट. उस रात मुझे बोला गया कि ये लड़का ठीक नहीं है और ये लड़का रश्मि के लायक नहीं है, वाहिद भाई आप समझाइए. आई सेड ये मौका नहीं है यहाँ पर ये सब बात करने का. मैंने अरहान को बुलाया, आप लोग अरहान से पूछिएगा, अरहान को बुलाया मैंने, अरहान ये मेरी बहन है, अगर आगे जाके कुछ उल्टा सीधा तेरे सामने आता है तो समझ लेना मेरा हाथ होगा और तेरे गाल होंगे. ये मैंने उसको उसी रात समझा दिया था, लेकिन तब तक बहुत नए थे ये लोग, बहुत सी बातें जो खुली हैं बाद में वो उस समय तक नहीं खुल के आई थी. मेरे दोस्तों ने भी जो मुझे कहना चाहा शायद उस रात को नहीं कह पाए वो, लेकिन बहरहाल जब वो एक रिलेशन शुरू हो गया था तो उस चीज़ के बीच में आना मुझे ठीक नहीं लगा. देखिए मुझे तो लगता है कि अरहान की सच्चाई आने के लिए ही बिग बॉस हुआ है इस साल. मैं अपनी बहन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, अरहान ने रश्मि को यूज़ किया बिग बॉस जाने के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत थी एक कंधे की. अरहान ने अपना कंधा दिया, मुझे मालूम है किस वक्त से गुजर रही थी रश्मि, उसको एक सहारे की ज़रूरत थी इमोशनली. उसने अरहान ने अपना कंधा दिया, रश्मि ने ब्लाइंडली उस पर फेथ किया और अरहान को एक प्लेटफॉर्म मिल गया बिग बॉस जैसा. वरना मुझे बताइए आप लोग, अरहान कौन है? बिग बॉस अरहान को क्यों लेगा? व्हाई विल अरहान एंटर बिग बॉस? व्हाई नॉट वाहिद अली खान यार, मेरा तो कम से कम उससे ज़्यादा नाम है. लेकिन अरहान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, अरहान ने यूज़ किया रश्मि को, अरहान अचीव व्हाट ही वॉन्टेड. रश्मि को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी दोस्तों के द्वारा, हालांकि हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे रश्मि को, बिकॉज आप जानती हैं कि बिग बॉस के अंदर हमारी एंट्री नहीं है. लेकिन जो हुआ, मैंने कहा रश्मि के पर्सनल लाइफ के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ. आई थैंक्स कलर फॉर दिस, आई थैंक सलमान भाई फॉर दिस, आई थैंक द इंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, आई थैंक द पीआर ऑफ रश्मि देसाई, द पर्सनल पीआर जीविता और मिस गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रश्मि को कन्विंस किया. लेकिन रश्मि के बारे में जिस तरह की बात हो रही थी कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो आप भी उनके काफ़ी करीबी हैं, लेकिन रश्मि को अरहान के पास क्यों जाना पड़ा मदद देने के लिए? देखिए मैं भाई हूँ, मैं एक हद तक उसको सपोर्ट कर सकता हूँ. एक लड़की को भाई के कंधे से ज़्यादा दूसरे इमोशंस अटैचमेंट चाहिए. आप लड़के हैं आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक लड़की जो एक इमोशनल होती है वो एक इमोशंस भाई के साथ उतने नहीं शेयर कर सकती जो अपने बॉयफ्रेंड और अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती है, टू बी ऑनेस्ट. रश्मि ने वो कंधा जो उसको चाहिए था वो अरहान से मिला उसको, अरहान ने उसको काफ़ी ब्लाइंडली
रखा, अरहान ने अपनी पर्सनल लाइफ को उसके साथ शेयर नहीं किया, अरहान कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये रश्मि को पता होने नहीं दिया। एक गेट टुगेदर में वो लोग मिले और अरहान उनके पीछे पड़ गया और मैसेजेस चालू हो गए और व्हाट्सएप चैटिंग, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है मेरे दोस्त, पहले जैसा नहीं है कि एक लड़की को पटाने के लिए आपको दो दो तीन तीन महीना इंतजार करना पड़ता था उसके नाम पूछने के लिए, आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो मैं गूगल सर्च करूँगा, उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी। और अरहान वॉनबी है, वॉनबीज को किसी के पीछे लगने के लिए वक्त नहीं लगता, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उसके पास सिर्फ यही काम धंधा था कि किस तरह मैं फिशिंग करूं और रश्मि जैसी शख्सियत मेरे में फंसे, और रश्मि इमोशनल थी वो फंस गई। मैंने कहा उसको बिल्कुल, देखिए मेरी बहन है वो, मैं उसको गलत हाथों में जाने नहीं दूंगा, लेकिन एक एक तरह मैं भी मजबूर हो जाता हूँ जब दो लड़का लड़की बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार करती हूँ, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ गया। मैंने उस रात को भी रश्मि को पूछा मेरी एनिवर्सरी वाली रात में उस पार्टी में कि रश्मि व्हाट इज दिस, शी सेड भाई आई लाइक दिस गाय, आई थिंक ही इज़ द वन। मैं चुप हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, जब एक लड़का राजी एक लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो मैं इस बीच में मैं फ़ौरन वॉकआउट कर दिया, मैंने बोला नहीं, लेट्स द फ्लो गो ऑन, अपने आप सच्चाई पता चलती है, सच्चाई छुपती नहीं है। और यही देखने को मिला कि जैसे जैसे समय बीता और उसके तुरंत बाद, मेरे ख्याल से कम डिस्टेंस था, महीना दो महीने के बाद ही बिग बॉस हो गया, और उसके बाद उसके इतनी चीज़ें मेरे सामने आई कि मैं हैरान हो गया कि ये शख्स है कौन। और कई दोस्तों ने, कई मेरी वाइफ के सहेलियों ने मुझे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि भाई व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, अरहान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। आई वाज शॉक्ड, आई सेड क्या बोल रही हो तुम, बोले मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डिच किया, मुझसे पैसे खाए उसने, पैसे खाए। तो आई सेड यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, बोले भाई वी वर स्केयर्ड। देखिए एक एक भाई बहन के बीच में आने को लोग डरते हैं, मेरा रिलेशन रश्मि के साथ एक बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी सगी बहन के साथ है, शायद वो डर रही थी, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, जब उन्होंने देखा कि अरहान इतना बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली जेलेसी भी आती है लोगों के अंदर, और एक लड़की सोचती है कि मेरे को डिच किया हुआ लड़का इतने आगे कैसे जा सकता है, और वो सही भी है, और इस लिहाज से उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। तब से मैंने सोच लिया हाथ धो के कि भाई ये लड़का ये रश्मि की लाइफ में नहीं होना चाहिए। तब भी मैंने कई ट्वीट किए कि अगर रश्मि उसके साथ है देन आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, लेकिन अगर जब रश्मि बोल देगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती तो अरहान क्या, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अरहान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। रास्ते पे आ गई थी, अरे क्या बात कर रही है, रास्ते पे आ गई थी, तुम उसके घर पे जाके क्यों रहने लगे, तुम उसकी गाड़ी क्यों यूज करने लगे, तुम उसके बैंक के अकाउंट से पैसा कैसे विड्रॉ करने लगा, वो आदमी हैं कैसे रास्ते में आ गई थी। अरे रास्ते में जिसका भाई इधर बैठा वो लड़की रास्ते में आ सकती है, अरे भाई अल्लाह ने भगवान ने थोड़ी इज्जत हमें भी दी है, क्या हम अपनी बहनों को रास्ते में आने देंगे। जैसे बिल्कुल बोलते ना, ये इल्ज़ाम जो उसने लगाया सरासर गलत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। देखिए जब पहलवान बोलते ना कुश्ती लड़ने उतरता है मैदान में, तो वो अपने आप को तेल लगा के उतरता है, क्यों, क्योंकि दूसरा पहलवान उसको पकड़ना था। ये सब अपने आप को बचाने की चीज़ है और कुछ नहीं। अच्छा भी आपने कहा को, कि रश्मि ने भी थोड़ा ना समझी की थी कि बिना सोचे समझे रिलेशन, मेरे दोस्त प्यार ना समझी होता है, आपने तो प्यार किया है दोनों तरफ से है ना चीज़ें। ऑफ कोर्स मैंने अभी कहा कि दोनों मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन जब उसके बाद उसके सामने आई पूरी बातें कि भाई ये जो गलत हो रहा है, इसने मेरे साथ कई बातें रश्मि को छुपाई गई, उसके बाद रश्मि ने जो सामने लाई गई उनके प्यारों उसके द्वारा, उनके अपने लोगों के द्वारा कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ के बावजूद अगर तुम एक्सेप्ट करती हो तो ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन रश्मि ने सही सोचा कि भाई नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए। रश्मि देबोलिना वॉज द फ्रेंड आई थिंक जो अंदर ले जाके उसको कन्विंस की, तो बहुत अच्छी बात है कि जब आदमी के सामने सच्चाई लाई जाए और उस सच्चाई को वो अपनाए और कहे कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उसने वॉकआउट किया, उसने तब आके मीडिया के सामने कहा कि नहीं मुझे ये आदमी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको लगता है रश्मि को जरूरत थी इसकी बिग बॉस में जाने के लिए? कब बैंक करप्ट हो गई थी? बैंक करप्ट क्या होता है मेरी दोस्त? कभी नहीं, रश्मि वॉज वेल टू डू एन एक्ट्रेस यार, ठीक है एक कलर्स का शो अगर उसका बंद हो गया तो दूसरा शुरू भी होता है। बैंक कर जी मुझे रश्मि से मिलवाया सना खान ने, सना खान जो हमारी एक्ट्रेस हैं काफ़ी नामचीन बॉलीवुड की, सना खान की बर्थडे पार्टी में हम रश्मि से मिले थे राइट, और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई, बहुत सुलझी हुई लड़की, बहुत सभ्य लड़की, इज्जत देने वाली,
मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त, मेरी वाइफ डिज़ाइनर है, तो उनसे कभी कपड़ों को खरीद फरोख्त हुआ उनके साथ, तो उस आज तकरीबन 5 साल हो गए होंगे, 4 या 5 साल, 5 साल से मैं उनको जानता हूँ। और मेरी बहन एक है सगी, वो मेरे साथ नहीं रहती, वो शादी करने के बाद बाहर चली गई, तो मुझे कहीं ना कहीं रश्मि में अपनी बहन नज़र आती है और वो आगे भी नज़र आती रहेगी। सबसे पहली बात डिज़र्व टू विन का मैं जवाब देता हूँ आपको, उसकी सच्चाई जो उसने शुरू से अपने आप को रखा है, अगर वो किसी से प्यार करती थी तो करती थी, और जब नहीं करती है तो नहीं करती है। ये ऑनेस्टी उसकी, आप समझिए, एक लड़की को जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट जब मिल रहा हो और जब वो लड़की को अचानक पता चलता है कि ये सपोर्ट गलत था, ये मेरे साथ धोखा था, तब भी अपने आप को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात है। और रश्मि डिज़र्व टू विन बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर, शी डेफिनेटली डिज़र्व टू विन, दैट्स योर सेकंड आंसर। और जहाँ तक उसकी बर्थडे की बात है, डेफिनेटली रश्मि ने पिछले साल बहुत अप्स एंड डाउन में गुजारा है, मैं भगवान से चाहूँगा कि आने वाला ये साल उसके लिए बहुत अच्छा हो, आने वाले समय में उसको काफ़ी शोज मिलें, काफ़ी फिल्में मिलें, और जो उसकी एक ख्वाब है एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने का, वो ख्वाब उसका पूरा हो, ऐसा मैं भगवान से चाहूँगा। बस इतना ही प्यार दो और ज़्यादा प्यार दो, अपने पत्रकार लोगों ने इसको एलिट क्लब का मेंबर बनाया, अभी एक काम और करना है आपको, इसके हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी दिलाना है, वो आप ही कर सकते हैं, इतना उसको मैसेज करो, इसकी इंटरव्यू इतना ही दिलाओ कि इसके हाथ में ट्रॉफी। हर बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए तो वो अपनी माँ को तो मिस करता ही है, तो वैसे इसी तरह से, और इसके साथ तो इसकी लाइफ आपने बिग बॉस की देखी होगी, और रियल जिंदगी में भी वही उतार चढ़ाव आए हैं। बार-बार कभी मिलकर आए थे रश्मि से, उसके बाद कुछ चेंजेस थी उसके गेम प्लान में, आपने उसे काफी समझाया भी था, आपको क्या लगा कुछ चेंजेस?
चेंजेस थे, बट उसके बाद एक के बाद कुछ चीज़ें होती ही गई बिग बॉस की जर्नी में. तो आई थिंक बट द वे शी हैव प्लेड इट, फॉर मी आई थिंक ओनली अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर कैन डू दैट, द वे शी हैज हैंडल्ड हर जर्नी इनसाइड द हाउस. अच्छा, घर में जब भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती तो जो फेस करना पड़ता है घर के, जो बाहर फैमिली होती है, तो कैसे आप लोगों ने अपने आप को संभाला जब इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी एक के बाद एक हुई, तो कैसे चीज़ें आप लोगों ने उसको टूटा हुआ देख के? तो हमको भी लगता है कि हम अंदर चले जाए, लेकिन वो नहीं जा सकते तो फिर बाहर से ही प्रेयर कर सकते हैं. इसके लिए जो दुआ करना चाहिए वो हम लोग ने किया, लेकिन फील तो होता है ना, वो हमारी अपनी है, बेटी है, तो हमें फील क्यों नहीं होएगा? होता है, फिर होके बैठना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग. और जहाँ गलत लगता है वहाँ हमने आवाज़ भी उठाई है, हमने इंटरव्यू दिया है, जहाँ गलत चीज़ थी हम बोल सकते हैं वहाँ हमने बोला है. नहीं, भगवान की दुआ से तो ये इतना बड़ा वो बच गई. आपने देखा होगा ये कैसे हुआ और कैसे वो खड़ी रही है. कुदरत ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है. वो रश्मि पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और पहले से ही उसने वो सब देखा हुआ है, तो इसके लिए. लेकिन एक के बाद सब आता जाता है, तो कोई भी इंसान थोड़ी समय के लिए ले, लेकिन वो वापस खड़ी हो जाती है. तो अरहान से गुस्सा आता है आज? उन्नीस वीक का गेम आप लोगों ने देखा है. 19 वीक तक रश्मि की जर्नी, जहाँ से उसने शुरू किया देवोलीना से दोस्ती, अरहान की एंट्री, अरहान का एग्जिट, अरहान की री एंट्री, अरहान का री एग्जिट, दो बार गेम वापस से स्लो हो जाना, गौरव का घर में जाना, मेरी और आंटी की स्ट्रेटेजी उन बच्चों को भेजना, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था. कन्फ्यूज था मैं बहुत, चैनल मेरे टच में था, लेकिन बच्चों से उसे वापस वो प्यार मिला, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले से बिग बॉस में जाने से पहले बच्चों से नहीं मिल पा रही थी, अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने के बाद भी. वहाँ से गेम आप सबने देखा है, पॉजिटिव गेम हुआ है जब से बच्चे गए हैं, और वहाँ से वो वापस उसने मुड़ के कभी नहीं देखा. एक ऐसा घर जहाँ 20 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, 20 अलग अलग राय, 20 अलग अलग ऑप्शंस हर चीज़ पर रखने वाले लोग, रश्मि ने ज़्यादातर पॉजिटिवली पॉजिटिव चीज़ों का साथ दिया. कल रजत शर्मा जी मौजूद थे, जो भी हम लोगों ने देखा वापस से वो पूरा 4 महीने की जर्नी दिखाई चैनल ने. हम पहले देख चुके थे, वही सब कुछ वापस दिखाया गया. रजत शर्मा जी के सवालों पर बहुत अच्छे बेबाक जवाब अपने रश्मि ने रखे. आसिम शायद जवाब नहीं दे पा रहे थे, पारस कंफ्यूज थे जवाब देने में, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी रश्मि ने बहुत पॉजिटिवली सारे जवाबों का जवाब दिया, सारे सवालों को आंसर किया. और रजत जैसे लोग जो आपकी अदालत में वर्ल्ड के और हिंदुस्तान के सारे नेता अभिनेताओं को कवर कर चुके हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी राय दी कि आप खाना अच्छा बनाइए, स्टोरीज़ भी अच्छी बनाइए. तो रश्मि ने भी कहा कि एक्टर हूँ और स्टोरीज़ में काम करना और स्टोरीज़ बनाना ही मेरा काम है. क्यों गौरव, क्या कहते हो तुम इसके ऊपर? दस महीने साथ में काम किया है, आंटी सेट पे भी जाती थी, गौरव भी सेट पे जाता था, दोस्त हैं. आपके घर में 6-4 लोग रहते हों, अगर किसी ना किसी बात पे अलग ओपिनियन सबके होना ज़रूरी नहीं है, बट ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं. रश्मि थोड़ी सी बात अपनी, मैंने जैसे पहले कहा, बेबाकी से रखती हैं, तो वो थोड़ा लाउड होती हैं, और लाउड होती हैं तो लोगों को लगता है कि वो खिलाफ़ हैं, लेकिन अपना ओपिनियन रखना इज़ ऑलवेज़, वो बिग बॉस का घर शायद वैसा ही घर है जहाँ लोग अपना ओपिनियन रखकर उसे सही साबित भी करना चाहते हैं. आंटी आपका क्या कहना? नहीं, सही है. एक अभी यहाँ तो सब अलग अलग जगह से आए, सबका रहना खाना पीना रीति सब अलग अलग, तो एक दिन कोई बात पे सब एक साथ नहीं हो सकते, तब टकराना. और यहाँ तो यही है कि तुम बोली नहीं, तुमने अपना बोले तो क्यों बोले, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले. तो मैं तो चाहती हूँ कि वो अपना ओपिनियन रखे, और क्यों रखा उसका भी वो जवाब देती है. कल मैंने गौरव से भी यही चीज़ पूछी थी कि जब रश्मि के सामने लक्ष्मी आई थी, बहुत स्ट्रॉन्गली उन्होंने कहा था कि एक समय मेरे
बहुत वो बात मैं भूल चुकी हूँ, वो वापस लाना नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी में या मेरी बेटी की जिंदगी में। उसको याद ही मत करो, प्लस में देखो क्या अच्छा हो रहा है वो देखो। एक तरह से अच्छा ही हुआ, जो सच सच कभी छुपता नहीं, वो कहावत है, वो वहाँ सच हुई तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, जो सच था वो उसके सामने आ गया। इतनी स्ट्रॉन्ग है रश्मि और उसने जवाब दे दिया। रश्मि बाहर आएंगी, अपना स्पेस लेंगी, अपना टाइम लेंगी और अपने तरीके से जो भी वो अपनी ज़िंदगी का फैसला जिस तरीके से भी लेना चाहती हैं वो उनकी लाइफ है। और मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, हम सबको भी ऐसा लगता है कि ये उनकी लाइफ की कॉल है। और हाँ, हम सब के तजुर्बे, हम सब की बातें, बाहर 4.5 महीने में जो हुआ है वो बातें सिर्फ हम उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद जो भी कॉल लेनी है, वो कुछ भी कॉल हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो, चाहे हमारी डिजिटल टीम है, मैं हूँ, आंटी हैं, गौरव हैं, बुलंद भैया हैं, सब लोग हैं घर पे, पूरी फैमिली उनके साथ खड़ी है, लेकिन वो कॉल जो भी होगा वो सिर्फ रश्मि देसाई का अपना कॉल होगा। उस कॉल के अंदर मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ 7 सालों से, कि वो रश्मि देसाई की ज़िंदगी का अपना फैसला होगा, उसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस रेटलीस नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के सामने उसने व्यू रख दिया है तो आपको तो जवाब पहले ही मिल गया है। आंटी, आपसे जानना चाहूंगी, रश्मि की इमेज बाहर आने के बाद कैसी दिख रही है, आपको कैसा लगा, वो कैसे रिएक्ट कर सकती है, और इमेज बड़ी है? शी हैज कम आउट एज अ स्ट्रांग पर्सन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, दैट पीपल आर मैसेजिंग हु वाज सिंगल वुमन हु हैज गॉन थ्रू अ बैड पास्ट, सब लोग सपोर्ट में आए, दैट इतनी स्ट्रांग है वो, दैट्स व्हाट वही सब, इतनी स्ट्रॉन्ग खड़ी रहना ये सब होने के बाद। और आपने देखा कई कई जगह पे वो अकेली भी रही लेकिन डरी नहीं है, हालांकि कल इसको कंफ्यूज, लेकिन बिल्कुल मेरी बेटी कंफ्यूज नहीं है। जिस तरह से पत्रकार को उसने जवाब दिया, कल रजत जी को भी इसने जो जवाब दिया, उनको भी पता चला कि हाँ रश्मि सही है, तो मेरे नज़र में तो वो अच्छा ही है। और एकदम रश्मि का जन्मदिन है, क्या विश करना चाहेंगे रश्मि के लिए और कितना मिस करेगी इस साल, क्योंकि आपके साथ नहीं है रश्मि? हाँ, मेरे साथ नहीं है, वो बिग बॉस में है, मिस तो बहुत करते हैं अपने बच्चे को, और बहुत नाम कमाए, बहुत आगे बढ़े, इसकी जो जो इच्छा है वो पूरी करे, और ज़्यादा आप फिल्म में हीरोइन बने और आप लोग इंटरव्यू ले, वो मेरी ख्वाहिश, आज के दिन वही दुआ करूँगी मैं। देखा ना आपने, स्ट्रॉन्ग है एकदम, सही जवाब दिया ना सबको, आप लोगों को भी दिया, तो फिर क्या बोलूँगी मैं, मैंने बनाया इसको स्ट्रॉन्ग एकदम। मैंने इंटरव्यू में स्टोरी सुनाई थी, वो मेरी झांसी की रानी है, मैंने उसको झांसी की रानी तरह, सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, सिर्फ 3 दिन के बाद वो परिवार के साथ होगी, आप सबके साथ होगी, जितने फैंस उसे प्यार करते हैं, जो फैंस उसे शायद जिताने ही वाले हैं, उनके साथ होगी, उनके साथ में मिल के उसे अच्छा लगेगा। मैं उस वक्त मैं मुझे डायबिटीज़ बहुत है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपने देखा होगा कि अभी भी मेरा प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, मैं आके थोड़ी सी गिर भी गई, तो मेरी तबीयत उस टाइम पे बहुत, क्योंकि एक अगले इसके आगे के हफ्ते में इसके साथ जो हुआ वो कोई माँ सही से नहीं रह सकती, तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मेरी तबीयत एकदम ज़्यादा डाउन हो गई थी कि मेरी बेटी के पास मैं नहीं जा सकती, उसको जब इसकी ज़रूरत है मुझे, लेकिन ठीक है सलमान सर ने वो कमी पूरी कर दी उसको बहुत अच्छे से सर, इसलिए मैं सलमान सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, देवोलीना का भी पेशर में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एक फ्रेंड की तरह वो खड़ी रही इसके साथ। वो इसकी जिंदगी है, वो सोच समझ के कुछ करेगी ना, इतनी बड़े आर्टिस्ट हैं, जब आपके सामने बोल दिया तो वो कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होएगा ना, जब इतना टाइम लिया फिर बाद में वो बोली तो कुछ तो सोचा होएगा ना उसने, तो आके बताएगी और शायद हमसे बात भी करेगी, फिर निर्णय लेना था उसको, लेकिन पहले लेना पड़ा उसको, तो
ठीक है, जहाँ गलत लगेगा वहाँ हम बताएंगे। आंटी मेरा सवाल एकदम फन के है, पूरा सीजन आपने देखा कि रश्मि चीजें छुपाती है, तो क्या घर में भी वो बैठी है? घर में कौन है जो, वो अकेली रहती है तो किसके साथ छुपाएगी वो, उसको वो फन करना था वो वहाँ कर लिया, किसी न किसी को तो मन करता है, घर में क्या अपने आप से छुपाएगी, तो वो तो नहीं है वहाँ फन कर दिया। उसने बोला ना कि ये चीज़ मैं यहीं कर सकती थी तो मैंने किया। एक बचपना जो शायद रश्मि ने मिस किया था काम करते वक्त, उस बचपने को उसने बिग बॉस के घर में चीज़ों को छुपा के अपना वो फन पूरा किया है, ऐसा हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि वॉट विच शी नेवर डिड इन हर लाइफ बट शी इज़ डूइंग चाय की पत्ती, चीनी, पास्ता, विच इज़ किडिश। वो बचपना शायद उसका है जो बाहर निकल गया था।